भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, इसे संपूर्ण भारत में पहुंचाने के लिए परम पूज्य आचार्य सुनील सागर महाराज द्वारा कुछ महीनों पहले भगवान महावीर स्वामी रथ यात्रा पूरे भारत भ्रमण के लिए निकाली गई थी। देश के कई राज्यों का भ्रमण करते हुए ये रथ यात्रा नागपुर के नागदा दिगम्बर जैन समाज राजस्थानी जैन भवन में पहुंची, जहाँ आचार्य सुवीर सागर जी के सानिध्य में सह आनंद से रथ का स्वागत किया गया। जियो और जीने दो का संदेश लिए कुछ महीनों पहले भारत भ्रमण करने के लिए निकली यह रथ यात्रा कर्नाटक, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अनेक राज्यों का भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंची। नागपुर के नागदा दिगंबर जैन समाज राजस्थानी जैन भवन में आचार्य सुवीर सागर जी के सानिध्य में यहाँ भव्य पांचवरण अभिषेक द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया, जहाँ भारी संख्या में जैन समाज के भक्तगण उपस्थित रहे। ओम नमः शिवाय। भगवान महावीर स्वामी का आज यह अग्रसर रथ है। नागपुर शहर में 23 तारीख रविवार को यहाँ पर आया है, जिसकी आनमानी चंद्रमा समिति और समस्त दिगंबर जैन समाज नागपुर के द्वारा यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें सभी लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत है जीवन और जीने दो, उसका विचार प्रसार करते हुए यहाँ पर यह रथ पहुँचा है, जो भगवान महावीर स्वामी की 2550वीं जो जन्म जयंती का यह वर्ष चल रहा है। इसमें हमारे गुरु भाई, बड़े भ्राता, परम पूज्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से और उनकी प्रेरणा से इस रथ का यह रथ पूरे भारत देश में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को, उनके सिद्धांत को विचार प्रसार और समाज के जागृत करने के लिए यह रथ प्रवर्तमान हुआ है। और इस रथ से सारे समाज के लिए भगवान महावीर स्वामी के वह दिव्य दर्शन हो गए हैं, जो रथ में आचार्य भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित है, जो भगवान महावीर शिव की प्रतिमा जो रखी हुई है, उसके दर्शन मात्र करने से सारे जीवों का कल्याण हो रहा है। ऐसे सभी समाज ने यहाँ पर नागपुर वालों ने आज से रथ का बहुत अच्छी तरह से आह्वान की है। भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा का संदेश लिए ये रथ यात्रा 6 प्रांत होते हुए नागपुर पहुंची, जो कि भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, जिसको लेकर नागपुर के भक्तजनों के बीच भारी उत्साह का वातावरण देखा गया। संपूर्ण भारत से आज अहिंसा रथ लगभग 6 प्रांत होते हुए नागपुर पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस रथ का उद्घाटन जयपुर में जयपुर के राज्यपाल महोदय जी ने किया, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसको झंडा दिखाया। उसके बाद यह रथ कर्नाटक गया। कर्नाटक में हमारे परम श्रद्धेय भट्टारक जी ने इसका वहाँ पर स्वागत किया, साथ में सभी जन समुदाय ने वहाँ बहुत बड़ा स्वागत किया। यह रथ वहाँ से गोवा गया, गोवा के बाद यह रथ उत्तराखंड गया और उसके बाद यह रथ लगभग 10 दिन के लिए महाराष्ट्र में प्रवेश किया। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज सुबह 7:30 बजे यह रथ ने नागपुर में प्रवेश किया और नागपुर में एक बहुत बड़ी सभा हमने यहाँ पर दी और बहुत अच्छी यात्रा सकल जैन समाज की आज यहाँ पर आचार गुरुवर सुबीर सागर जी के सानिध्य में यहाँ पहुंची है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने समोशरण के दर्शन किए हैं। आप आज यहाँ पर आप सभी सकल जैन समाज उपस्थित है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सादर जय जिने। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद ये रथ यात्रा सोलापुर, लातूर, नांदेड़, यवतमाल के बाद नागपुर पहुंची और नागपुर के बाद ये रथ यात्रा मुंबई पहुंचेंगी। इस रथ यात्रा द्वारा जैन समाज के अहिंसक विचार जियो और जीने दो को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो यह संपूर्ण भारत में जाए, इसके लिए परम पूज्य
आचार्य सुनील सागर जी महाराज द्वारा यह रथ कुछ महीने पूर्व पूरे भारत भ्रमण के लिए निकाला गया है। इसके पूर्व यह रथ कर्नाटक, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अनेक राज्यों में जाके आया है। आज इस रथ का पिछले 3 दिनों से यह रथ महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में सोलापुर, लातूर, नांदेड़, यवतमाल, नागपुर और नागपुर के बाद औरंगाबाद, पुणे होते हुए आगे बंबई जाएगा। इस रथ द्वारा सभी जैन समाज का प्रचार प्रसार एवं जियो और जीने दो अहिंसा धर्म की जो जान है वो जन जन तक पहुंचे, यही यह रथ निकालने का मुख्य उद्देश्य है। आज नागपुर में परम पूज्य आचार्य सुवीर सागर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में इसकी भव्यवाणी श्री नागदा दिगंबर जैन मंदिर में सकल जैन समाज द्वारा की है। मैं सभी समाज को धन्यवाद देता हूँ। विश्व को जी और जीने दो का संदेश देने के लिए और वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, यह आवश्यक है। ये भगवान महावीर स्वामी का रथ संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है और आज परम पूज्य आचार्य सुवीर सागर उदय के सानिध्य में आज यह रथ नागपुर में भ्रमण करते हुए नागदा दिगंबर जैन समाज राजस्थानी जैन भवन में पधारा और यहाँ भव्य पंचामृत अभिषेक द्वारा यहाँ पर भगवान का अभिषेक हुआ और सहानंद रथ की यहाँ पर संपूर्ण विधि हुई। जय जिनेन्द्र। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।